इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहती है कि हमें जगह नहीं मिलती कि बच्चों को हम खिलाएं। बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, फिर हम उसमें अपने इंटर ग्रुप मैचेस करवाते हैं। इंटर ग्रुप मैचेस में बच्चों को कुछ सिलेक्ट करते हैं, 20-25 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी कोचिंग देते हैं। कोचिंग के बाद उनको हम कंटिन्यू खिलाते रहते हैं, और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको हम साथ साथ बच्चों को हमने कैरम दे देते हैं, रूम दे देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको भी आगे चांस मिलेगा खेलने का। हमारी कैरम या चेस होती है जो इंडोर गेम्स होती है, इसमें सबसे जो प्लस पॉइंट होता है इन केस ऑफ लड़कियां, इनमें कोई इंजरीज नहीं होती है। जैसे कि क्रिकेट में कभी कभी मतलब बॉल लगने की वजह से, खासतौर पे जो कश्मीर में फीमेल्स का होता है कि लग जाती है, चोट लग जाती है, तो वो मसला मतलब कैरम में हमारा ऐसा कुछ सीन नहीं होता है। और ये बहुत माइंड सेट गेम होती है बहुत अच्छे से। ये चेस हो या कैरम, ये सिर्फ माइंड गेम होती है, इसमें जितना हम फोकस करें ऑन पॉइंट, जितना हम दिमाग से खेलते हैं वैसे ही हम आगे जाते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारे मतलब मिसकंसेप्शंस है कि कैरम बस एक इंडोर गेम है, जस्ट एक इंडोर है, इसका कुछ करियर नहीं हो सकता है आगे। लेकिन बहुत कम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि कैरम के भी नेशनल्स होते हैं, इसके इंटरनेशनल्स होते हैं, इवन इसका वर्ल्ड कप भी होता है।